नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 55 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआरबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 150 रुपए देने होंगे और बिहार डोमिसाइल जो कि महिलाएं हैं उन्हें 150 रुपए देने होंगे और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 600 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बीएसपीसीबी पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, अकाउंट्स क्लर्क, सैंपल कलेक्टर, फील्ड असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी के बारे में। वहीं अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 36 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक केमिकल में या सिविल में या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में या फिर इंटरमीडिएट शॉर्ट हैंड टाइपिंग के साथ जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। इसके साथ ही बीकॉम या फिर बीबीए या इंटरमीडिएट साइंस के साथ ही या इंटरमीडिएट और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 37 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 23 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bspcb.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर ऑफिसर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तों की कुल संख्या 150 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीकॉम या बीएससी या बीएमएस या एमकॉम या एमएससी या एमएमएस या पीडीजीएम का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 27 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी श्रेणी के लोगों को 750 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 19 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.saraswatbank.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी लखनऊ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर, सिविल मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनर, एसएनटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 292 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या 10वीं पास होना, आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 590 रुपए, एससी एसटी को 236 रुपए देने हैं। आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप lmrca.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 150 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 400 रुपए, ईडब्ल्यूएस एससी को 160 रुपए, पीएच को 200 रुपए। आखिरी तारीख 26 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.pstcl.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट है संस्कृत। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 241 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत के साथ 50% अंकों का होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 10 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की करें तो आप www.madhyamik.assam.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एचक्यू, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पीआई, एफआई, एफएस, कंप्यूटर मैकेनिक ग्रेड 4 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1837 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 8वीं कक्षा पास होना, इसके साथ ही 10+
2 के साथ साथ स्नातक का पूरा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप dirajri.assam.gov.in पर जाकर आवेदन भर। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कंसल्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 24 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या एमकॉम या बीई या बीटेक रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो वो भी मेंशन नहीं किया गया है। वहीं अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वॉक इन इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 10 और 11 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nios.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की तरफ से निकाली गई रिक्त पद का नाम हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर तहसीलदार असिस्टेंट रजिस्ट्रार असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर ट्रैफिक मैनेजर डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाइड ऑफिसर असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तों की कुल संख्या 156 है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 42 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR जो कि पुरुष है और जो कि हरियाणा के रहने वाले उन्हें 1000 रुपए देने होंगे और मेल कैंडिडेट को जो कि दूसरे राज्य के रहने वाले उनको भी 1000 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें 250 रुपए देने होंगे और मेल और फीमेल कैंडिडेट जो SC BC ABC BESM EWS है जो हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हें 250 रुपए देने होंगे और बाकी सभी PH कैंडिडेट को जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 26 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 70 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR को 1000 रुपए PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही सभी रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 500 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप jkpsc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 42 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH EXSM को 500 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 30 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप chandigarh.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे असम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन प्लांट ऑपरेटर ग्रेड 4 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 694 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 8वीं पास इसके साथ साथ डिप्लोमा या 10+2 या ITI या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 मार्च 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.guwahati.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।